मैं आ रहा हूँ विष्णु। शेषनाग, कहाँ है तुम्हारा इष्ट विष्णु जिसकी सेवा में तुम दिन रात लगे रहते हो? उस छलिया के धूर्त सेवक शेषनाग, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें बंदी बनाकर राजभवन ले जाऊंगा। तुम्हारी त्वचा बहुत ही सुंदर और शीतल है और इसे मैं अपने राज दरबार में बिछाऊंगा। वैसे भी तुम यहाँ शैया ही बनकर बैठे हो उस कपटी विष्णु की। हाँ, शैया बना हूं मैं प्रभु विष्णु की, किंतु प्रभु श्री हरि के चरणों की सेवा के असीम आनंद को तुम जैसे पापी नहीं समझ सकते दैत्यराज। हाँ, सेवक हो तो अपने स्वामी की चाटुकारिता तो करोगे ही। अब शीघ्र बोलो, कहाँ है तुम्हारा वो भगवान होने का ढोंग रचने वाला स्वामी? प्रभु तो यही है तुम्हारे समक्ष। मुझसे परिहास मत करो, कहाँ है मेरे सामने तुम्हारा स्वामी? वो तो यही है, नेत्रों में पवित्रता और मन में श्रद्धा होगी तो तुम्हें अवश्य दिखाई दे जाएंगे, किंतु तुम जैसे पापियों को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं दैत्यराज हिरण्यकश्यपु? बस बहुत हो गया परिहास। धूर्त शेषनाग, तुम्हें ज्ञात नहीं है मैं इसी क्षण तुम्हारा मान मर्दन कर सकता हूँ। पांव तले मसल कर मिटा सकता हूं तुम्हें। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इसी क्षण मेरे समक्ष शीश झुकाकर मेरा सम्मान करो और अपने स्वामी की भांति पराजय स्वीकार करो, अन्यथा परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हिरण्यकश्यपु, तो तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार है। यदि अब तुमने पुनः मेरे समक्ष अपना शीश उठाने का साहस किया तो मैं तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर डालूंगा। अवश्य तुम्हारे स्वामी को मेरे वरदान के बारे में ज्ञात हो गया होगा, इसीलिए वो मेरे समक्ष नहीं आ रहा, अर्थात उसे अपनी पराजय स्वीकार है। तो अब उसके स्थान पर मेरा अधिकार है। अब मान मर्दन करना है उस देवराज इंद्र का, जिसने मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र की हत्या करनी चाहिए। देवराज इंद्र, तुम्हें भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। आ रहा है दैत्यराज महाबली हिरण्यकश्यपु। माता, प्रभु श्री हरि नारायण ने कुछ क्यों नहीं किया? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु उनके ही धाम में आकर उन्हें ही क्या क्या नहीं बोला माता? माता, वो तो यही समझ रहे होंगे कि उनसे भयभीत होकर वो कहीं छुप गए हैं। माता, प्रभु नारायण ने उनकी वरदान की मर्यादा का पालन करते हुए उनका विरोध नहीं किया। वरदान की मर्यादा का पालन तो सबको करना ही होता है, और अभी हिरण्यकश्यपु के पाप का घड़ा भरा नहीं था। उचित समय आने तक प्रभु को प्रतीक्षा करनी ही थी। प्रभु के सामने न आने पर अपनी विजय समझकर हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर आक्रमण करने की ओर चल पड़ा। तब तो देवों और असुरों में बड़ा संग्राम हुआ होगा माता। जो हठ धार्मिकता का त्याग कर
परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वही विवेकशील कहलाता है। और यही देवराज इंद्र ने किया। हिरण्यकश्यपु के आक्रमण करने से पूर्व ही देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, तो देवताओं ने भी वरदान का मान रखा माता? हाँ पुत्र, वे समझ गए थे कि जब प्रभु श्री हरि नारायण ने स्वयं हिरण्यकश्यपु का सामना नहीं किया तो वो सामना करते तो खुद का ही अहित कर लेते। और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को बिना युद्ध किए हुए ही स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो गया। स्वर्ग अब हमारा है, हम असुरों का। समस्त देवता हमारे दास हैं। ब्रह्मदेव, आपके वरदान की तो महिमा ही न्यारी है। शीश झुकाओ मेरे समक्ष, शीश झुकाओ। इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने समस्त पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन करने की योजना प्रकट कर दी और कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर सका। तो इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों पर विजय पाली। हाँ, तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा था हिरण्यकश्यपु। हनुमान, एक बार यदि मनुष्य अपनी इच्छा का दास हो गया तो फिर उसकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। जितनी उसकी इच्छाएं पूरी होती है उतनी ही उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। हिरण्यकश्यपु भी इतने में शांत नहीं हुआ। अब उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और उसे साक्षात ईश्वर मानने के लिए सबको बाध्य करने लगा। ये देखो, ये झुके हुए शीश, देखो ये लज्जा से भरे हुए नेत्र, पराजय से मलिन ये मुखड़े, देखो इन्हें, देखो। समस्त देवता मेरे दास हैं, पृथ्वी के बड़े बड़े राजा बंदी हैं मेरे। बड़े बड़े धर्माधिकारी ऋषि मुनि अधीन हैं मेरे। अब बताओ कौन है सर्वशक्तिमान? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु है सर्वशक्तिमान। दैत्यराज करना क्या चाहते हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु है सर्वशक्तिमान। तो अब से, अभी से किसके नाम का मंत्र गूंजेगा? मंदिरों में किसकी पूजा होगी? बताओ कौन है तुम्हारा प्रभु? प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। Ha 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 ha
तीनों लोकों में पूजा होगी तो मात्र सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु की। अजय अमर, ईश्वर प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज, अब से मैं तुम सबका ईश्वर हूँ। मेरी पूजा करने वाले को ही इस पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार होगा। मैं उन्हें जीवन दान दूंगा, अन्यथा उन्हें कष्ट दान मिलेगा जो ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरी पूजा नहीं करेगा। ये अधर्म है, ये अन्याय है। इस तरह बलपूर्वक किसी से पूजा नहीं करा सकते तुम। अब बताओ कौन है तुम्हारा ईश्वर, अब बताओ। माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु स्वयं को ईश्वर मान बैठे थे। माता, ईश्वर तो किसी पर शासन नहीं करते, वो तो सबकी सहायता करते हैं। हनुमान, शक्ति और सत्ता का मत जब शीश पे चढ़ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यदि किसी दुष्कर्मी के हाथों असीम शक्ति और सत्ता आ जाए तो वो स्वयं को सर्वोपरि समझने की भूल कर बैठता है, ईश्वर मानने लगता है स्वयं को। सदैव ध्यान रखना चाहिए, शक्ति मिले, सत्ता मिले या धन संपदा, सब ईश्वर की देन समझकर अपनी सीमा में रहते हुए उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। सत्य है माता, हनुमान ये सदैव ध्यान रखेगा। माता माता, उसके पश्चात क्या हुआ? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को रोकने के लिए प्रभु श्री हरि ने कौन सा अवतार लिया? हनुमान, इस बार जो प्रभु श्री नारायण ने अवतार लिया था वो सबसे भयानक था, परंतु उससे पूर्व मैं तुम्हें बताऊंगी भक्ति की महिमा, भक्ति की शक्ति, और ये कि ईश्वर के सच्चे भक्त कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते। अभी तक तुमने प्रभु की लीला के बारे में सुना, अब एक भक्त की लीला के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, एक नन्हे से भक्त की लीला के बारे में। नन्हे भक्त की लीला, इसका अर्थ है आप मुझे प्रह्लाद जी के बारे में बताने जा रही हैं। शीघ्र बताइए ना माता, प्रह्लाद जी ने क्या किया था? हनुमान, एक और तो हिरण्यकश्यपु सबको ईश्वर भक्ति त्याग कर स्वयं की पूजा और अर्चना कराने के लिए बलपूर्वक सबको बाध्य कर रहा था, तो दूसरी ओर उसका ही पुत्र प्रह्लाद प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उस होनहार बालक ने छोटी सी आयु में ही समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया था। उसके मन में प्रभु हरि थे, तो जिभा पर प्रभु हरि नारायण का नाम। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। नारायण का नाम लेना अपराध है, प्रतीत होता है राजकुमार प्रह्लाद बावले हो गए हैं, उन्हें रोकना होगा। राजकुमार, ओम नारायणाय नमः। राजकुमार प्रह्लाद ऐसे नहीं सुनेंगे। नारायणाय नमः। राजकुमार प्रह्लाद, राजकुमार प्रह्लाद, ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः।
अरे भ्राता अमर्क। हाँ भ्राता शंड। ये राजकुमार प्रहलाद क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये बालक ऐसा ही है। भ्राता शंड, यदि प्रभु हिरण्यकश्यप को ये बात पता चल गई ना, तो निश्चय ही वो हम दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। ये नहीं तो गजराज के पांव तले कुचलवा देंगे। भ्राता रोको इन्हें, रोको। हाँ मैं कुछ करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। प्रहलाद अनर्थ तो कर रहे थे, परंतु देखो शिष्टाचार भी जानते हैं। और इनको देखो, देखो इनको हाथ झुलाए खड़े हैं। हाँ भ्राता शंड, इन असभ्य ने तो हमें प्रणाम तक नहीं किया। अरे मूर्खो, कुछ सीखो, कुछ सीखो अपने सहपाठी प्रहलाद से, समझे तुम लोग? क्या सीखूं इनसे? ये त्रुटिपूर्ण मंत्र बोल रहे थे, हिरण्य नमे के स्थान पर नारायणाय नमः बोल रहे थे राजकुमार। क्या नारायण मंत्र सीखूं गुरुजी, जिससे मुझे कारागर में डाल दिया जाए? ओहो, हमें ज्ञात है कि ये क्या बोल रहे थे और इनके बोलने का परिणाम क्या होगा। हाँ हम तो ये कह रहे थे बस कि क्या तुम लोगों को ये भी ज्ञात नहीं कि अपने गुरुजनों का सम्मान कैसे किया जाता है? अगर नहीं पता है तो सीखो, सीखो अपने सहपाठी प्रहलाद से। मित्रों यहाँ आओ। वेदों में गुरुदेव को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरुदेव का सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देखो ऐसे, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान 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 भवा। देखा प्रहलाद ने तुम लोगों को कितनी उत्तम शिक्षा दी है। मैं तो पहले से ही जानता था कितना शिष्ट और अच्छा बालक है ये प्रहलाद। पुत्र प्रहलाद, तुमने छोटी सी आयु में ही वेदों को कंठस्थ कर लिया है, फिर मंत्र उच्चारण में त्रुटि क्यों कर रहे थे? नारायणाय नहीं हिरण्याय है उचित शब्द। आप पुत्र प्रहलाद ध्यान से एकाग्र होकर सुनो, सही मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु सही मंत्र तो यही है ओम नारायणाय नमः। प्रभु 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 प्रभु, क्षमा करें प्रभु हिरण्यकश्यपु। जो हमारे कर्ण ऐसे मंत्र श्रवण कर रहे हैं, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। प्रहलाद, किसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया? हाँ प्रहलाद, जहां तक मुझे ज्ञात है हमने तो तुम्हें कभी ये मंत्र सिखाया ही नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ये मंत्र कब और कहां से ज्ञात हुआ? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, कदाचित मेरे हृदय में ये जन्म से ही बसा हुआ था। और फिर जो आपने मुझे वेद सिखाए हैं, उनका सार भी तो यही है ओम नारायणाय नमः। प्रभु 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 प्रभु। प्रहलाद, ये वेदों का सार नहीं है। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो और सदैव उसे स्मरण रखो। भ्राता अमर्क, आप समझाओ इसे। हाँ हाँ भ्राता शंड, मैं समझाता हूँ प्रहलाद को। पुत्र प्रहलाद, अभी तुम्हारे पिताजी
आदरणीय दैत्यराज हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों के सम्राट हैं, है ना? सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, और जो सर्वोपरि होता है वही प्रभु होता है, और उसी के नाम का जाप जपा जाता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? गुरुजी, वेदों में मैंने सीखा है कि प्रभु विष्णु ही जगत के सृष्टा एवं पालक है, और वही सत्य में ईश्वर है। यदि प्रह्लाद ने महाराज के समक्ष नारायण मंत्र बोल दिया तो मृत्यु दंड निश्चित है। देखो प्रह्लाद, तुमने जो वेदों में सीखा वो सत्य नहीं है। भगवान तो तुम्हारे पिताश्री ही हैं। हाँ, ये तो सत्य है कि पिता पुत्र के लिए भगवान के समान होते हैं, किंतु वो मात्र मेरे लिए भगवान है। सत्य में तो जगत के पिता, जो आपके, मेरे और सबके भी पिता हैं, वो श्री हरि नारायण ही है, वही है ईश्वर। अच्छा, तो तुम मेरे भी गुरु बनकर मुझे ज्ञान दे रहे हो? नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव तो आप दोनों ही हैं। तो ज्ञान भी हमसे ही लो प्रह्लाद। जो मैं बोलूं उसे दोहराओ। सही मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। फिर वही त्रुटि। मैं क्या करूं गुरुदेव, ये तो मेरी जीवा पे स्वतः ही आ जाता है। ये देखिए ऐसे, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, प्रभु प्रभु नारायणाय नमः, प्रभु क्षमा। मैं तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ, भूल जाओ उस हरि नारायण के नाम को। आप गुरुदेव होकर ये कैसे शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को? अरे हरि का नाम अपनी जीवा पर लाना बंद करो, अन्यथा तुम्हारे पिता के कोप से मैं कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुजी, जब हम आपकी बात नहीं मानते तब आप हमें शीघ्र ही दंड देते हैं। प्रह्लाद को भी दंड दीजिए ना। अरे मूर्ख बुद्धि, प्रह्लाद राजकुमार है, गुरुजी उसे दंड देना तो दूर, ऊंचे स्वर में बोल भी नहीं सकते। प्रह्लाद, तुम ये मंत्र परिवर्तित करोगे या नहीं? ये शास्त्र सम्मत मंत्र है गुरुदेव, मेरी जीवा पर यही चढ़ा है। आप कहें तो मैं श्वास लेना छोड़ दूं, किंतु ये हरि नारायण का नाम, ये तो मेरी देह में है, मेरी नस नस में बसा है, ये कभी नहीं छूट सकता गुरुदेव। भ्राता अमर। हाँ भ्राता शंड, क्या करें इसका, राजा का पुत्र है, दंड भी नहीं दे सकते, बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते, कैसे छुड़ाऊं इससे हरि का नाम बोलना। हाँ भ्राता शंड, मेरी तो देह में जैसे अग्नि दहक रही है, अब तो ये सरिता के शीतल जल से स्नान करके ही शांत होगी। हाँ भ्राता अमर, मेरे भी कर्ण तप रहे हैं, मैं भी चलता हूँ पुनः स्नान के लिए, चलिए। आओ भ्राता। नहीं गुरुदेव, रुकिए रुकिए गुरुदेव, ये तो अच्छा नहीं हुआ, मेरे दोनों गुरुदेव मुझसे रुष्ट हो गए। हे मित्रों, अब गुरुजी तो गए, कुछ क्रीड़ा हो जाए। हाँ, हो जाए कुछ आनंददायक खेल, क्या बोलते हो प्रह्लाद? नहीं मित्रों, ये समय बहुमूल्य ज्ञान अर्जन का है, क्रीड़ा करके हमें ये समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जन, हम तो चले खेलने। चलो मित्रों,
अच्छा मित्रों, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्रों नाम है और कौन कण कण में बसता है? नहीं। अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ। भ्राता अमर्क, ये हम क्या कर रहे थे? अपराध, हरि का नाम ले रहे थे। अरे किसी ने सुन लिया तो सूली पर लटका देगा। गुरु शंड, गुरु अमर्क। सेनापति सूली भ्राता अमर्क, त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप के समक्ष आप दोनों को राजकुमार प्रहलाद के साथ उपस्थित होना है। पिताश्री के समक्ष? किंतु क्यों महाराज के समक्ष? वो जानना चाहते हैं राजकुमार ने गुरुकुल में अभी तक क्या क्या सीखा है। राज प्रहलाद यहाँ केवल हरि का नाम ले रहे हैं। यदि इन्होंने हरि का नाम महाराज के सामने दोहराया तो हमारी मृत्युदंड निश्चित है। गुरुजी, पिताश्री ने बुलाया है, चलिए ना, मुझे मिलना है उनसे, शीघ्र चलिए। माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि प्रहलाद जी हरि भक्त हैं। उस समय तक उन्हें ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उन्होंने गुरुकुल से प्रहलाद जी को क्यों बुलाया? हनुमान, पिता चाहे साधारण मनुष्य हो या ब्रह्मांड का राजा, अपने पुत्र के प्रति सजग रहना स्वाभाविक है। हर पिता यह जानना चाहता है कि उसके पुत्र ने कितनी प्रगति की है। ये तो सत्य है माता, किंतु प्रहलाद जी श्री हरि भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु घोर हरि विरोधी हैं। प्रहलाद जी तो संकट में भी पड़ सकते थे माता। हनुमान, संकट तो था किंतु संकट से अनभिज्ञ प्रहलाद उत्साह से भरे हुए थे। वे इतने दिनों पश्चात अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे और वे भी अपने पुत्र से भेंट करने के लिए उतावले थे।
अब तक तो सेनापति को आ जाना चाहिए था हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर, अब तक नहीं लौटे वो। स्वामी, प्रहलाद अभी आता ही होगा, धैर्य रखिए। धैर्य? महारानी कयाधु, कब से नहीं देखा मैंने उसे, किंतु मैं आश्वस्त था जब मैं त्रिलोक में विजय प्राप्त कर रहा था, तब अवश्य ही मेरा पुत्र वेदों के ज्ञान में विजय प्राप्त कर रहा होगा। पिताश्री। प्रहलाद। पिताश्री, वेद एवं ज्ञान को विजित नहीं किया जाता, ज्ञान तो पूजनीय होता है जिससे पवित्र भाव एवं पूर्ण श्रद्धा से ही ग्रहण किया जाता है। आओ पुत्र। प्रहलाद, मेरे पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र, बड़े ही ज्ञानवान हो गए हो गुरुकुल में जाकर, बड़ी उत्तम शिक्षा दी है तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें। माता, आपके अंक में रहने का आनंद तो सदा मिला मुझे, आज प्रभु कृपा से पिताश्री ने अपने अंक में भर लिया, असीम आनंद की प्राप्ति हुई मुझे। पुत्र प्रहलाद, महारानी कयाधु, प्रहलाद जैसा पुत्र पाकर कोई भी पिता धन्य हो जाए। इसकी मधुर वाणी जैसे किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए हों, मन प्रसन्नता से भर उठा है। महारानी, आज आप हमारे पुत्र की रुचि के पकवान बनाइए। माँ हूँ इसकी, इसकी रुचि के सारे पकवान बनाने की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। तो ठीक है, जब तक भोजन की व्यवस्था होती है तब तक मेरा महान पुत्र मुझे ये बताएगा कि इसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा अपने गुरुओं शंड और अमरक से। यदि प्रहलाद ने हरि का नाम ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री, मेरे दोनों ही गुरुदेव महान हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ही सहजता से समस्त वेदों का ज्ञान कराया है और इसमें ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की भी बड़ी कृपा रही है, इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हीं की स्तुति से आरंभ करूंगा। आशा करता हूं कि प्रहलाद अब सरस्वती स्तुति गाएंगे, पुनः हरि स्तुति नहीं। आज्ञा दें पिताश्री। तुषार हार
उत्तम, अति उत्तम। देखा महारानी, मेरा पुत्र ज्ञान हो या गायन, सब में सर्वोत्तम। पुत्र, मन अभी भरा नहीं है, तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं मेरे ये कर्ण। अपनी मधुर वाणी में वेदों के सार के बारे में कुछ बताओ, जो कुछ भी तुमने सीखा है। पिताश्री, ज्ञान की पोथियाँ हो या वेदों का सार, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। और ऐसा करते हुए वो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु देव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णु देव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णु देव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णु देव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। ये कैसे तो हरि का नाम ले रहे हैं? ये तो हरि का नाम ले रहे हैं। तो प्रभु विष्णु देव सदैव उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वही हमारे सारे कष्टों एवं पापों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यही तो सत्य है ना पिताश्री, उनकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। उनके इंगित मात्र से जीवन दायिनी वायु संचारित होती है। जो हरि भजन नहीं करता उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। मैं आपको हरि भजन सुनाऊं? अभी सुनाता हूँ पिताश्री। बहुत हुआ उस कपटी विष्णु का यशोगान। तो ये शिक्षा दी है तुमने मेरे पुत्र को? उस कपटी की हरि भक्ति सिखाई जाती है तुम्हारे गुरुकुल में? हमने ऐसा तनिक भी नहीं सिखाया है प्रभु। प्रभु, हमने तो राजकुमार जी को हरि भक्ति त्यागने को अनेकों बार समझाया, किंतु ये नहीं माने। बस, सेनापति, ले जाओ इन दोनों धुर्तों को, इन्हें राजद्रोह का दंड मिलेगा। रुकिए पिताश्री। Thank you.
अपराध इन्होंने किया ही नहीं है, उसके लिए इन्हें दंड मत दीजिए। इन्होंने तो मुझे बहुत समझाया कि ईश्वर आप हैं। पुत्र, फिर क्यों कर रहे हो छलिया विष्णु का यशोगान? पिताश्री, इन्होंने कहा था कि तीनों लोगों के स्वामी आप हैं, पूजा आपकी होनी चाहिए। उत्तम। किंतु मैं ये मानता हूँ कि तीनों लोगों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु हरि नारायण विष्णु हरि नारायण विष्णु हरि नारायण विष्णु हरि नारायण विष्णु। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं से है, वही सर्वप्रथम पूजनीय है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब पुत्र? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? प्रहलाद, नहीं माँ, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सत्य तो सूर्य की भांति स्वतः ही प्रकाशित होता है। ईश्वर सत्य है, चहुं ओर उन्हीं की सत्ता दिखाई देती है। प्रभु श्री हरि नारायण, 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 प्रभु श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि। मत कहो उसे प्रभु, वो प्रभु नहीं है, मैं हूँ प्रभु, तीनों लोगों का स्वामी। त्रिलोकपति हिरण्यकश्यपु, त्रिलोकपति हिरण्यकश्यपु, त्रिलोकपति हिरण्यकश्यपु। यदि पुनः उसका नाम अपने जीवा पर लाए तो परिणाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहिए पिताश्री, उनका नाम लेना कैसे छोड़ सकता हूँ। क्षमा स्वामी, क्षमा। प्रहलाद अभी अबोध है, उसे ज्ञात नहीं कि वो क्या कह रहा है। माँ, मुझे ज्ञात है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबके श्वासों में बसते हैं श्री हरि नारायण विष्णु, मेरी भी श्वासें उन्हीं से चलती हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। प्रहलाद, हट जाइए आप। नहीं स्वामी, नहीं, वो आपका पुत्र है, बालक है, और एक बालक की बातों पर इतना क्रोध। मैं समझाऊंगी इसे। समझाइए इसे, समझाइए इसे महारानी। जिस छलिया विष्णु के ये गुणगान गा रहा है, उसने मेरे भ्राता इसके काका का वध किया है। परम शत्रु है वो मेरा। पिताश्री, मनुष्य का परम शत्रु कोई अन्य नहीं, उसी के भीतर छुपा हुआ अहंकार, मद, लोभ, मोह और मत्सर है। प्रभु श्री हरि तो मात्र पाप कर्म और पापी मनुष्य के विरोधी हैं। तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे काका मेरे भ्राता हिरण्यक्ष पापी थे? मैं ये नहीं जानता पिताश्री, किंतु इतना अवश्य मुझे ज्ञात है, यदि उन्हें श्री हरि नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई तो उनसे बड़ा सौभाग्य हम में से किसी और का नहीं हो सकता। वो मोक्ष के अधिकारी हो गए होंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। सेनापति, डाल दो इसे काल कोठरी में अभी। प्रातः तक भूखा प्यासा रहेगा तो भूल जाएगा सारी हरि भक्ति। महाराज, क्या राजकुमार? डाल दो इसे काल कोठरी में, इसे काल कोठरी में अभी। राजकुमार, स्वामी पुत्र प्रहलाद को ऐसा कठोर दंड मत दीजिए।
ले जाओ इसे। स्वामी मैंने कहा ले जाओ इसे। स्वामी वो पुत्र है हमारा, अबोध है, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। एक पिता अपने पुत्र के प्रति कितना निष्ठुर हो सकता है, वो भी बिना किसी उचित कारण के। पुत्र मनुष्य के स्वयं के भीतर छुपे हुए विकार ही उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं, और उन्हीं विकारों के कारण हिरण्यकश्यपु की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो उचित अनुचित के भेद को समझ नहीं पा रहा था। सत्य है माता, क्रोध और अहंकार मनुष्य को मानवता के स्थान पर दानवता के पद पर ले जाता है माता। अहंकार वशी एक पिता अपने पुत्र के प्रति दानव बन गया। फिर क्या हुआ माता? क्या प्रह्लाद को पूरी रात कारागार में रहना पड़ा? राजकुमार छोड़ दीजिए मेरी हरि भक्ति, अपने सर्वशक्तिमान पिता की शरण ले लीजिए, इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे आप। हरि भक्ति तो मेरे श्वासों में बसी हुई है, उसे त्यागना मेरे वश में नहीं है। अल्पायु बालक हैं आप, काल कोठरी का अंधेरा भयावह होता है, बिना प्रकाश के कैसे रह पाएंगे आप यहाँ? जिनके हृदय में हरि भक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहती है उन्हें किसी भी अंधकार से भय नहीं लगता। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, अब मुझे जाना होगा। प्रणाम। पिताश्री। प्रहलाद। तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही हैं। बस। स्वामी इस अमावस की काली रात्रि से भी अधिक अंधकार में होगी वो काल कोठरी, हमारा नन्हा सा पुत्र सारी रात्रि वहाँ कैसे रह पाएगा, वो भी भूखा प्यासा। महारानी पिता हूं उसका, मुझे भी पीड़ा हो रही है यह सब करके, किंतु उसके हृदय से हरि भक्ति समाप्त करने के लिए दंड आवश्यक है। प्रातः तक वो सारी हरि भक्ति भूल जाएगा, फिर मैं स्वयं आपके साथ चलकर अपने पुत्र को काल कोठरी से निकाल लाऊंगा। महारानी आप भोजन करके विश्राम कीजिए। भूखा है तो माँ कैसे भोजन कर सकती है, पुत्र काल कोठरी की कठोर धरती पर लेटे तो माँ कैसे राजभवन की शैया पर लेट सकती है। माँ का हृदय ऐसा ही होता है, मेरी माँ भी मुझे भूखा प्यासा नहीं देख सकती, वो भी मेरे लिए सदैव।
ऐसे ही चिंतित रहती हैं। अरे इतने दुर्बल दिखाई दे रहे हो, प्रतीत होता है भोजन नहीं किया तुमने इतने दिनों। नहीं माँ, ये तो आपकी ममता भरी दृष्टि को लग रहा है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, किंतु जैसा हनुमान पहले था वैसा ही है। बस बस चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। तुम पहले जाओ और स्नान कर। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा, माँ बनाएंगी पकवान, जी भर खाएगा हनुमान। पुत्र हनुमान, माँ की ममता में ही प्रभु का पवित्र प्रेम छुपा होता है। हनुमान पुत्र हनुमान, अब तुम ये पूछो कि भक्त प्रह्लाद ने क्या किया। उसने काल कोठरी के अंधकार को प्रभु श्री हरि नारायण के मंत्रों के प्रकाश से भर दिया। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। धन्यवाद प्रभु श्री हरि, ये आपकी ही भक्ति का प्रकाश है। आपका नाम तो संसार के बड़े से बड़े अंधकार को मिटा देता है प्रभु। बस एक विनती और है आपसे, आपकी भक्ति भले ही मेरी क्षुधा को शांत कर दे, किंतु मेरी माँ वो मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भूखी रहेंगी। मैं उनकी पीड़ा नहीं सहन कर सकता प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पुत्र प्रह्लाद, माँ आप यहाँ? माँ आप यहाँ कैसे? मैं अपने पुत्र को भूखा कैसे रहने दे सकती थी? आप मेरे लिए आई हैं माँ, किंतु माता जब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को प्रातःकाल ज्ञात हुआ होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ होगा ना? पुत्र हनुमान, प्रातः काल जब हिरण्यकश्यपु बंदी गृह पहुंचा, उसके साथ महारानी कयाधु भी थी। माँ, प्रह्लाद तुम ठीक तो हो? चरण स्पर्श माता श्री। आयुष्मान भव, चरण स्पर्श पिताश्री। इस काल कोठरी के अंधकार में भय तो बड़ा लगा होगा, और भूख ने तो अब तक तुम्हारे मन को परिवर्तित कर दिया होगा प्रह्लाद। पिताश्री अंधकार तो था ही नहीं, प्रभु श्री हरि की भक्ति का प्रकाश था यहाँ। मुझे तनिक भी भय नहीं लगा पिताश्री, और ना ही भूख ने विचलित किया। माँ ने भली भांति भोजन करा के तृप्त कर दिया था। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। रात्रि में जब प्रह्लाद मेरे पास आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और मैंने इसे भोजन कराया। माँ, Thank you.
माँ। पुत्र। पुत्र प्रहलाद, तुम यहाँ? माँ। इस काल कोठरी की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर तुम बाहर कैसे निकले? नहीं पिताश्री, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला। माँ स्वयं आई थी भोजन लेकर मेरे पास। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो स्वयं मेरे पास आए थे राजभवन। माँ, मुझे ज्ञात था आप मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपके पास। अपनी माँ के लिए मेरे पुत्र ने काल कोठरी से बिना अनुमति लिए बाहर निकलने का संकट मोल लिया। यदि प्रातःकाल तुम्हारे पिता को तुम्हारे बाहर निकलने के बारे में ज्ञात हो गया तो फिर क्या होगा? उन्हें जब ज्ञात होगा तब का तब देखेंगे। अभी तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरा पुत्र भूखा ना सो जाए। सेनापति, क्या है ये सब? सत्य क्या है? कौन यहाँ आया और कौन यहाँ से गया? महाराज, काल कोठरी की कुंजी पूरे समय मेरे ही पास थी। ना तो कोई यहाँ से बाहर गया ना ही भीतर आया। ये कैसे संभव है? तुम तीनों मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? सत्य क्या है स्पष्ट बताओ। मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो। सत्य जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूँ। किसी भी सीमा को। सत्य सुनना चाहता हूँ मैं, अन्यथा मुझसे द्रोह का भयंकर परिणाम भुगतोगे तुम तीनों राजद्रोही। स्वामी, मैं आपकी सहभागिन और ये आपका अंश, आपका पुत्र है, और ये आपकी सेना के स्वामी भक्त सेनापति। आपके साथ द्रोह करने की कल्पना भला हम कैसे कर सकते हैं स्वामी? हम तो पूर्ण निष्ठा से आपके प्रति समर्पित हैं। सब ज्ञात है मुझे कितनी निष्ठा है मेरे प्रति। इसीलिए कल रात्रि की घटनाओं के तुम तीनों के तीन भिन्न भिन्न विवरण हैं। समझाओ मुझे, एक ही व्यक्ति एक ही समय पे दो भिन्न भिन्न स्थानों पे कैसे हो सकता है? वो भी तब जब काल कोठरी की कुंजी सेनापति के संरक्षण में सुरक्षित थी। आपको इस भक्त का कोटि कोटि नमन प्रभु श्री हरि। अवश्य आपने ही आकर अपने इस भक्त की रक्षा की है। पिताश्री, प्रभु श्री हरि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माताश्री और सेनापति जी का इसमें कोई दोष नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रभु ही आए थे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। स्वामी, आपका नन्हा भक्त आपसे कुछ विनती कर रहा है। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कष्ट में भक्त को देखे नाही, विष्णु रूप बदल कर आई, भय
प्रहलादा माँ के है तू पुत्र के लाए भय कयाधु मातृ और पुत्र दोनों को हरि भोजन अरुण निद्रा सुलभ करी हनुमन शत शत करत नमन जय श्री नारायण भगवन से सौभाग्य थे भक्त प्रहलाद जी के उन्हीं की भक्ति के वश में होकर वो दो रूप धारण कर आए पहले पुत्र बनकर माँ को भोजन कराया और माता बनकर पुत्र को प्रभु कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते प्रभु तो माता भी होते हैं पिता भी बंधु भी तो सखा भी अपने भक्तों के लिए वो किसी भी रूप में आकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं बॉस 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 शांत हो जाओ मेरी राज्यसभा में उस कपटी हरि का नाम लेने का दुस्साहस मत करो मैं ये घृणित नाम कदापि नहीं सुन सकता पिताश्री जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं मैं प्रेम से उनका स्मरण करता हूँ और आप क्रोध से परंतु भाव कोई भी हो हम दोनों प्रभु का स्मरण कर एक साथ पुण्य के भाग बनते हैं बंद करो अपने अनर्गल प्रलाप मेरे स्मरण से ही पुण्य की प्राप्ति होती है मैं हूँ प्रभु 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 कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली असुर है इसके उपरांत भी वो इतनी निद्रा में क्यों रहता है प्रातः कुंभकर्ण अपने असीम सुधा को तृप्त करने के लिए असीमित भोजन करते थे उन्हें रोकने अथवा नियंत्रित करने का साहस किसी में नहीं था अतः उन्हें वरदान के रूप में अभिशाप प्राप्त हुआ वरदान के रूप में अभिशाप वो कैसे क्या था वो अभिशाप कालांतर में हम तीनों भाइयों ने मैं भ्राता रावण और भ्राता कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हमें इच्छित वर प्रदान करने के लिए दर्शन दिए रावण की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने नर वानर छोड़ के यक्ष गंधर्व पशु पक्षी आदि से अवधता का वरदान प्राप्त किया और मुझे मेरी इच्छा अनुसार धर्म पथ के अनुसरण का वरदान दिया और जब भ्राता कुंभकर्ण का समय आया तो पूरी सृष्टि को उनका भोजन बनने से रोकने के लिए विधाता ने पूर्व काल में ही योजना बना ली थी ओम ब्रह्मदेवाय नमः पुत्र प्रणाम ब्रह्मदेव
वत्स कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिव्या पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा, ब्रह्मदेव मुझे इंद्रा निद्रासन का वरदान चाहिए। तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर 1 दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओ। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा, और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अधिक ही दुर्दांत सिद्ध होंगे। आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको सूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राता श्री, परंतु जब बड़े पद भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राता श्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं आप भी भली भांति परिचित हैं, और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है कि अभी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राता श्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ ये सब मोह विकार हैं मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राता श्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप, भीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो, युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ, लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण हैं तो असुर किंतु बड़े ज्ञानी हैं, वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पे दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे? रुक जाइए भ्राता श्री, आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चीटियों की भांति मसल कर रख देगा आपका ये अनुज।
भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। राम, जहां तक मैंने रावण को समझा है वो बड़ा हठी है, वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास, आप लोग चिंता ना करें। जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे। उसकी चिता बना देंगे हम और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतया सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे, ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे, विजय धुन बजाकर विजय का उद्घोष करेंगे ये। कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना है यहां। वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है, आपको सुग्रीव चाहिए ना? आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राता श्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ, रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शास्त्र भी है, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं, युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो, और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ। आज
अंत होगा इस युद्ध का। विजय भवा कुंभकर्ण। नहीं क्या होगा आज के युद्ध में। इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ 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 बंधु कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ बंधु कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना चीटियों का समूह, मेरे पांव तले मसले जाएंगे ये। ये विजय धुन, युद्ध से पूर्व ही विजय धुन। भ्राता लंकेश का अभिमान है ये। भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो ये है, अधर्म कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है, अपने भाई का सम्मान करता है, अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं, उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाए। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राता श्री।
विभीषण, मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। प्रताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका मनोबल टूट रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं, और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। व्यक्ति का ज्ञान यदि सत्य और धर्म के साथ ना हो तो सब व्यर्थ है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।